गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश का लेसन नंबर 3 कर रहे थे। आज हम उसका बुक वर्क पेज नंबर 33, री राइट ईच सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता भी होना चाहिए ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है, तो आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, इससे ऊपर वाला पोर्शन जो है थर्ड पार्ट, वो अभी आपने छोड़ देना है बेटे। ठीक है, जब आपको इजमार अच्छे से आ जाएंगे, उसके बाद इजमार हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते थे ना, कि जो समय चल रहा है, और ये है पास्ट टेंस जो मतलब बीत चुका है समय, उसके बारे में है। ठीक है, इस एमआर को फिर पास्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं उस बारे में वो हम फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये पोर्शन आपने छोड़ देना है। नंबर फोर्थ वाला करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम, ऑर्डर मतलब क्रम, कि जिस हिसाब से अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल किससे बना है, अल्फाबेट से, किससे बना है अल्फाबेट से, और अल्फाबेट्स क्या होते हैं ए टू जेड, अल्फाबेट्स क्या होते हैं ए टू जेड। ठीक है, उनका जो ऑर्डर होता है, क्रम होता है, उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस क्रम में आते हैं, किस ऑर्डर में आते हैं वो, ऐसे आते हैं, देखो पहले ए आया, बी सी डी ई एफ G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यही है ना इनका ऑर्डर, इसी क्रम में आते हैं ना ये, आगे पीछे तो नहीं आते, इसी ऑर्डर में लिखते हो ना आप एबीसी जब लिखते हो। तो ये क्या है इसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे अब मैं एग्जांपल के रूप में ले लूँ। ठीक है, मैंने आपको दिया फर्स्ट एग्जांपल कि टॉल, फैट और पुअर, इसको आपने अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस में अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप क्या देखना है, सबसे पहला अक्षर देखना है अल्फाबेटिकल में, क्या देखते हैं, सबसे पहला अक्षर। ठीक है, सबसे पहला अक्षर आपका क्या है, क्या है सबसे पहला अक्षर, टी है ना, तो टी देखो, टी तो बहुत नीचे आ रहा है। ठीक है, उससे सेकंड अक्षर क्या है, एफ, एफ क्या है, ऊपर है। ठीक है, और पी क्या है, बीच में है। तो इन सबसे पहले कौन सा आया, टी पहले आया, एफ पहले आया कि पी पहले आया, सबसे पहले एफ आ रहा है ना, एफ से पहले तो ना पी है ना टी है, कुछ नहीं है ना। तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फैट। ठीक है, फिर फैट के बाद क्या आ रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना, तो फिर हम क्या लिखेंगे, पुअर, और लास्ट में फिर क्या टी आ रहा है, टी वाला आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, टॉल। ठीक है, आए समझ में, आपने इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, रोड, ट्रीज और बस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट देखेंगे, इसी से ऑर्डर पता चलेगा इसका, आर, टी और बी, इनमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है ना, तो आर तो बहुत नीचे है, ठीक है, टी उसके भी नीचे है, और बी क्या है, सबसे पहले है। तो हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, बस, उसके बाद बी के बाद क्या था, आर आया, आर वाला है ना, तो आर क्या आएगा, रोड, और उसके बाद क्या आएगा, ट्री। ठीक है, आगे ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, पहले मार बी आया, फिर उसके बाद बी के बाद अगर देखें तो आर आता है। ठीक है ना, बीच का सेंटेंस हमें दे नहीं रखे, बीच का तो कोई वर्ड हमें दे नहीं रखा ना इसका, बीच का। ठीक है, तो आर वाला लिख दिया, उसके बाद आर के बाद टी वाला दे रखा, तो हमने टी वाला लिख दिया। ओके, कर लेंगे अब आप इसको सारा, कर लेंगे ना कंप्लीट, आपने ये सारा कंप्लीट करना है 5 के 5। ओके, गुड बाय।